अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, हम इधर गल्फ में सुन्नत नमाज पढ़ रहे होते हैं और सात बंदा आकर शामिल हो जाता है, हमारी सुन्नत होती जबकि मुक्तदी फर्ज जायज है, ये यानी इसकी आदत ना बनाएं। अभी मैंने बाद मस्जिदों में देखा है कि वो जानबूझ के मेन जमात छोड़ देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल जवाज है, बुखारी मुस्लिम दोनों में मुआज़ इब्ने जबल कहते हैं, मैं नबी इस्लाम के पीछे ईशा की नमाज पढ़ता था, उसके बाद अपनी कौम की इमामत करता था ईशा की नमाज में। हालांकि मुआज़ इब्ने जबल तो फर्ज नमाज पढ़ चुके होते थे, वो अपनी कौम की जब इमामत करते थे तो वो नफली नमाज पढ़ रहे होते थे, क्योंकि फर्ज नमाज तो दोबारा नहीं पढ़ी जाती, और जो नमाज ज़ुहर के पीछे पढ़ी जाए उसके बाद तो नमाज कोई और पढ़नी नहीं चाहिए। क़यामत तक भी कोई नमाजें पढ़ता रहे उस नमाज की बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है ना? क्योंकि अनफी इतने मक्कारी करते हैं उलमा, वो कहते हैं नहीं, वो ज़ुहर के पीछे नफल पढ़ते हैं होंगे और बाद में जाके ना फर्ज अपनी कौम को पढ़ाते होंगे, क्योंकि इन्होंने ये बाबा नहीं मानना अपना गलत, इनके बाबे के नजदीक जो फर्ज नमाज पढ़ ले वो फर्ज नमाज पढ़ने वाले की इमामत नहीं करवा सकता। इस मसले को इन्होंने कुत्ते को हलाल करने के लिए इन्होंने ये कह दिया कि जी वो हजरत मुआज हुजूर के पीछे नफली नमाज पढ़ते होंगे ईशा की, और अपनी असली नमाज जाके कौम को पढ़ाते होंगे। और बदबख्तों, ये काम तो मैं और आप ना करें कि हमें हुजूर के पीछे नमाज मिल रही हो और हम आपके पीछे फर्ज नमाज छोड़ के पीछे नफल नियत करिए और अपनी कौम में जाके फर्ज पढ़ाइए। कोलू गाड़ी बना ली, हदीस में नहीं लिखा हुआ, खुद से बना ली। जब मुआज़ इब्ने जबल कह रहे हैं मैं हुजूर के पीछे ईशा पढ़ता था और फिर अपनी कौम की इमामत करवाता था, तो वो खुद कह देते ना कि मैं चूठी मुठी नफल नियत कर लेता था, बाद जाके असली पढ़ता था। तो ये छोड़ दें, जब ये बाबा परस्ती आती है तो फिर कोई नहीं बचता, हर तरीके से फिर ये ना। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा परस्ती का आगाज और अंजाम नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन और आप अलैहिस्सलाम से दूरी है, क्योंकि इन बाबों के मुकाबले में बेसिकली रसूलल्लाह ही है, मैं आप नहीं है। हम तो हुजूर का दिफा कर रहे हैं ना, असल में तो मसला हमारा ये सारा बोलना नबी अलैहिस्सलाम की वजह से होता, हमारा जाती तो कोई मसला नहीं, किसी बाबे ने मेरी कोई बहस नहीं खोली है। हाँ, मेरा क्या लेना देना, हम नबी इस्लाम के सिपाही हैं। कुरान पाक ईमान और सारी जिंदगी इताअत की बात करता है, एक शख्स सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार कर सिर्फ एक बार कलमा पढ़ के जन्नत में कैसा चला जाएगा? किसने कहा आपको जन्नत में चला जाएगा? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये इस तरह नहीं है मेरे भाई। सही बुखारी की हदीस है, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। कहे रसूलल्लाह किसने इनकार किया? फरमाया जिसने मेरा हुक्म माना वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो ये हदीस कोई नहीं मौजूद, ये जो कागज जिसने एक दफा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो वो उसकी बरकत बताई जा रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में जाने का एक टिकट है, लेकिन अगर किसी ने कोई बुरे अमाल किए हैं तो वो अपनी सजा भुगतेगा, और अगर वो बुरे अमाल इस बड़ी नौयत के हैं कि मौत के वक्त उसके मुंह से कलमा कुफर निकल गया और वो ईमान की हालत में दुनिया से नहीं गया। सारी चीजों को जमा तफरी करना है ना, खाली एक तरफ से तो रिजल्ट नहीं निकाल देना। ये भी तो हदीस है सही मुस्लिम की 246 के, बंदे के कुफर और ईमान के दरमियान फर्क नमाज है। जामिया तिर्मिजी में हदीस है मुनाफिकीन और मोमिनीन का फर्क नमाज है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। और जामिया तिर्मिजी में अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी का कौल है कि सहाबा इकराम तारिकुस्सलाह नमाज छोड़ने वाले की तकफीर करते थे, उसे काफिर कहते थे। तो बेनमाजी तो हो गया काफिर। यहां तो जिसकी शादी ना हुई हो लोग पूछते हैं जी इन्हें पूरी जिंदगी ब्याह नहीं किया था, जनाजा हो जाएगा? और जिन्हें पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी उसके जनाजे की तो पहली सब में तो खड़ा होता है, क्योंकि वो वहां का सबसे बड़ा डॉन होता है या पोलिटिकल लीडर होता है। उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आया कि इसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी, और पढ़ी भी तो नफली नमाज, ईद की, ईद की नमाज फर्ज नहीं है, नफली नमाज। और कुरान का फतवा व अकीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, और नमाज को कायम करना देखना मुशरिक ना हो जाना। जिसने नमाज छोड़ी उसका कभी नहीं किसी ने पूछा कि इसका जनाजा पढ़े या ना पढ़े। नमाज छोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है, इससे छोटा गुनाह खुदकुशी करना। सही मुस्लिम में हदीस है खुदकुशी वाले का जनाजा लाया गया, आप फरमाया मैं नहीं जनाजा पढ़ूंगा, तुम पढ़ के दफना दो, इतना गुस्से का इजहार किया, यानी टोटल बुरा कर दो। तो
ये इतना सौखा नहीं है। और जो कहते हैं ना अजाब भुगत के तो हम चले ही जाएंगे, तो सर ये यहूदी भी यही कहते थे कि हमें चंद दिनों के लिए दोजख की आग छुएगी फिर मौजे ही मौजा। इस तरह नहीं है, पता नहीं कितने लाखों साल वलियाज़ुबिल्लाही ताला जलना पड़े। और जिसे कोई है ना तो वो एक मिनट के लिए सिर्फ मोमबत्ती पे यूं हाथ रखे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आखिरत की आग दुनिया से 70 गुना तेज है। दुनिया की आग में तो आप 70 सेकंड के लिए मोमबत्ती पे हाथ ना रख सकें, उधर आपने कौन सा टार्जन बन जाना है कि 70 गुना तेज आग को आप हजारों साल के लिए बर्दाश्त करेंगे। छोड़ दो, कहानी खत्म, ये छोड़ दो, इन चीजों बाहर निकलो। सूरह अल फुरकान की आयत है कि जहन्नम एक लम्हे के लिए भी गुजारने के लिए बुरी जगह है और हमेशा के लिए भी बुरी जगह है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया में जिस शख्स ने अय्याशी की जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह फरिश्तों से कहा जरा इसे एक जहन्नम का फेरा लगवाओ, एक फेरा लगेगा। अल्लाह पूछेगा दुनिया में कोई आसाइश देखी, कहेगा तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई जिंदगी का हिस्सा सुकून से नहीं गुजारा। वो अपनी पूरी अय्याशी भूल जाएगा उस एक फेरे पर। और उसी हदीस में है कि फिर एक गरीब शख्स को अल्लाह ताला कहेगा कि फरिश्तों से इसे जन्नत का फेरा लगवाओ, और जन्नत का एक फेरा लगाएगा, अल्लाह पूछेगा दुनिया में कोई तकलीफ आई थी तुझे, कहेगा या अल्लाह कोई तकलीफ नहीं आई थी, यानी कि अगर मुझे ये कुछ मिलना था तो वो तकलीफ तो मैं भूल गया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नत अल-फिरदौस मअन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال آمين।